Yes, students, in the continuation of the chi-square distribution, next we are having the applications of chi-square distribution. There are various applications of chi-square distribution. The first and these are very important applications, क्योंकि chi-square का हम use कैसे कर सकते हैं और हमने कहाँ करना है, ये हम applications में ही देखेंगे. The very first application of chi-square distribution is to test if the hypothetical value of the population variance, ठीक है, पॉपुलेशन वेरियंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू द सिग्मा नॉट स्क्वायर. सिग्मा नॉट स्क्वायर मान लो कोई सिग्मा नॉट, हमने कोई भी वैल्यू कह दी. अगर हमने टेस्ट करना है, जैसे हम पहले टेस्टिंग करते हैं कि क्या हाइट ऑफ द पीपल 65 इंचेस है, यानी कि हमें 65 वैल्यू दी हुई है. यहाँ पे हमने किसकी टेस्ट करनी है, पॉपुलेशन वेरियंस की. टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर द पॉपुलेशन वेरियंस, याद रखो यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक वेरिएबल है और हमें चेकिंग करनी है, हमें टेस्टिंग करनी है किसकी, पॉपुलेशन वेरिएंस की, कि क्या ये पॉपुलेशन वेरिएंस इस ये इक्वल है, वेदर दिस इज 67, दिस इज 100, दिस इज 80, कितना भी अमाउंट है हम उसको कह रहे हैं कि क्या ये इसके इक्वल है, टू टेस्ट इफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू. मीन्स हमने इसकी हाइपोथेटिकल वैल्यू को टेस्ट करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट. सेकेंड इज गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड द थर्ड इज अवर टू टेस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स. इंडिपेंडेंस ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड द फोर्थ वन इज टू टेस्ट द होमोजीनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन वेरियंस. फिफ्थ है कि हमें अगर इनकी प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट से फाइंड आउट करनी है. सिक्स्थ है होमोजेनिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ द पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट्स. ठीक है, सो देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ दिस काइस्केयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवरी एप्लीकेशन हैज अ सिग्निफिकेंट रोल. आपके एग्जाम में 100% एक एप्लीकेशन के बेस पर न्यूमेरिकल आता ही है आता है. 90% न्यूमेरिकल्स विल बी देयर फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एप्लीकेशन जो मैंने अभी आपको कहा है. व्हाट इज इन्फर्ड अबाउट अ पॉपुलेशन वेरियंस. पॉपुलेशन वेरिएंस की अगर हमने टेस्टिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं. सपोज वी वांट टू टेस्ट फॉर ए रैंडम वेरिएबल x. जब मैं बात कर रही हूं आपके पास x i इज ए रैंडम वेरिएबल, i विल वेरी फ्रॉम 1 टू n. n वेरी कर रहा है, हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विद दिस स्पेसिफाइड वेरिएंस, जिसका वेरिएंस एक स्पेसिफाइड वेरिएंस है जिसको मैं बात कर रही हूं, मतलब ये पर्टिकुलर वेरिएंस है सिग्मा नॉट स्क्वायर. सो अगर ये है और इस स्पेसिफाइड वेरिएंस सपोज के साथ ये हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस. ठीक है, सो हम नल हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे. क्या नल हाइपोथेसिस सेटअप करेंगे, कि एच नॉट इज टू मेरा जो सिग्मा स्क्वायर है वो इसके इक्वल है. नल हाइपोथेसिस है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कि ये इसके इक्वल नहीं है. ठीक है, आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के 5 स्टेप्स मैंने पहले भी बताए थे. लेट्स रिकॉल, द फर्स्ट इज सेटअप द नल हाइपोथेसिस, हम क्या करना चाहते हैं. नंबर 2, सेटअप द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1, कि अगर ये नहीं होता एक्सेप्ट तो क्या एक्सेप्टेड होगा. थर्ड इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दैट इज अल्फा, व्हाट इज अवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. फोर्थ इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक, कि हम क्या फार्मूला लगाते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए. फिफ्थ इज व्हेन वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक देन वी विल कंपेयर दैट वैल्यू विद द टेबुलेटेड वैल्यू, जो उस टेस्ट की टेबुलेटेड वैल्यू है. इफ इट इज लेस देन, मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, वी विल एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस कि हमारी वो वैल्यू इसके इक्वल है, वी आर एक्सेप्टिंग दिस, एंड अदरवाइज वी विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस कि ये इसके इक्वल नहीं है. व्हाटएवर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वी विल सेटअप दैट इज इक्वल टू दैट.
ओके सो अब पहला हम नल हाइपोथेसिस सेटअप कर देंगे, अल्टरनेटिव सेटअप कर देंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम बता देंगे अल्फा कि वो मेरे पास जो है 5% है, 1% है, 10% है, कितना है, जिसके बेस पे हम टैबुलेटेड वैल्यू देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप अल्टरनेटिव, थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि अब हम काई स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे काई स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक, वो आप क्या फार्मूला लगाओगे इसकी टेस्टिंग करने के लिए। दैट फार्मूला इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई गोइंग 1 टू n, समेशन आई गोइंग 1 टू n xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब आपके पास क्या है, डिवाइड बाय जो आपने लिया है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो आपने वैल्यू कही है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ले लिया। ठीक है, इसको अगर आप बाहर निकालेंगे और इसको खोलते हैं, स्क्वायर को खोलते हैं, तो आप देखेंगे अल्टीमेटली, जैसे मैं बता रही हूँ, इसको आपने बाहर ले लिया, मान लो यहाँ पे आपके पास समेशन था ना, आपने सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर में तो एन है ही नहीं, ये तो एक स्पेसिफाइड वैल्यू है, कॉन्स्टेंट ले रहे हो ना आप, स्पेसिफाइड सिग्मा नॉट स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हो। तो ये सिग्मा स्क्वायर अगर मैं बाहर ले लेती हूँ, इसके साथ आई नहीं है, और इस स्क्वायर को खोलती हूँ, तो ये मेरे पास, आपके पास इस समेशन को भी आप खोल लो, अंदर ले जाओ, आप इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, तो आपके पास ये जो सिंबल बनेगा, दिस विल बी समेशन, आपके पास जो एक्स आई आया था अभी, ठीक है, ये एक्स आई स्क्वायर आएगा, आई विल वेरी फ्रॉम 1 टू n आएगा, और माइनस आपके पास ये यहां पे समेशन एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइड बाय n आएगा। ठीक है, ये मैं अगर इसको ऐसे खोलती हूँ, और अगर आप इसको ऐसे खोल कर करते हो, तो दिस विल बी योर n s स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर। ये चीज जो है, ये एन स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा स्क्वायर आ जाता है। दिस विल फॉलो अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, विद एन माइनस वन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। This is the first application of chi-square distribution. Again, I am repeating that testing of hypothesis is again in this unit. पैरामीट्रिक, देयर विल बी ए पैरामीटर, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, जो एक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, जिसमें पैरामीटर जो पैरामीट्रिक होते हैं, पैरामीटर होता है, और उसका हमने पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, इससे पहले वाले सेमेस्टर में भी हमने वही किया था, इस सेमेस्टर में भी हमारे पास तीन टेस्ट हैं जिसमें हमने टेस्टिंग करनी है और उनको यूज़ करना है। कौन से टेस्ट हैं वो, काई स्क्वायर है हमारे पास, टी है हमारे पास, और एफ है हमारे पास। ठीक है, हमने ये तीन टेस्ट इसमें भी करने हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर सेम है। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को लेना है, फिर अल्टरनेटिव को लेना है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेना है, फिर फार्मूला लगाना है, वहाँ से आपके पास कैलकुलेटेड आ जाएगी, फिर आप कैलकुलेटेड से फिर आप उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे उसकी टैबुलेटेड देख लोगे, कैलकुलेटेड को टैबुलेटेड से कंपेयर कर लोगे, अगर वो कम होगी तो जो नल हाइपोथेसिस आपने सेटअप किया है उसको एक्सेप्ट कर लोगे, अदरवाइज आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम टेस्टिंग में तीन टेस्ट हमने करने हैं इस सेमेस्टर में, फर्स्ट पेपर में। तो पहला है काई स्क्वायर। काई स्क्वायर में हमने पहली एप्लीकेशन की है कि अगर हमने टेस्ट करना है, टू टेस्ट इफ द हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस इज देयर और नॉट, ठीक है, जिसको हमने सिग्मा नॉट से कहा है, उसकी टेस्टिंग के लिए हमने ये फार्मूला लगाना है जो मैंने आपको बताया है, वैसे ही टेस्टिंग करनी है। टैबुलेटेड वैल्यू देखने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, टेबल होता है जिसमें हमें, टेबल पे आप क्या देखोगे, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कि 5% वाला टेबल देख रहे हो, 1% वाला देख रहे हो, या 10% वाला देख रहे हो, और वहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम भी साथ साथ देखनी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का कंसेप्ट मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया आपको। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन है, यानी कि अगर मेरे पास ये एक्स आई, जो आप, मैंने अब एक्स आई लिया है, अगर ये एक्स आई मेरे पास है एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, अप टू एक्स टेन, एक्स टेन है, तो मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा मेरा, 9।
अगर मेरे पास यही x की वैल्यूज 5 हैं, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? n माइनस 1, 5 माइनस 1, 4. अगर मेरी टोटल आइटम्स 8 हैं, तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 7. Until unless, keep in mind, until unless कोई और restriction नहीं है, कोई और constraint नहीं है. जैसे मुझे कह दिया जाए कि आपने 1:3:5:6:2 में देना है, मतलब ratio में distribute करना है, तो फिर आप n minus 1 नहीं लगाओगे, फिर आप वो जितने ratio में distribute करने के लिए कहा गया उसे apply करोगे degree of freedom find out करने के लिए. Once you have finded out the degree of freedom, तो एक तरफ आप डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, दूसरी तरफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ गया, वहां से आप जो टेबल आपके पास काइस्केर की वैल्यूज का है, ऑलरेडी बना हुआ स्टैटिस्टिकल वैल्यूज का टेबल है, वहां से आप मान लो वर्टिकल आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है और हॉरिजॉन्टल आपके पास लेवल ऑफ सी, तो आप देखोगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे मेरी क्या वैल्यू आती है. दैट विल बी योर टेबुलेटेड वैल्यू, कैलकुलेटेड इस फार्मूले से आ जाएगी. टेबुलेटेड आप टेबल से देख लोगे, दोनों को कंपेयर करोगे. इफ कैलकुलेटेड विल बी लेस, यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज यू विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस. ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डू द प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट एप्लीकेशन, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट विद द थ्योरी ऑल्सो. बट अगर हम बात करें एग्जाम में आने के चांसेस की, तो 90% आपका प्रैक्टिकल आएगा एप्लीकेशंस के बेस पे, 10% आपकी थ्योरी आएगी. आने को कुछ भी आ सकता है, बात हो रही है इम्पोर्टेंस की. तो एप्लीकेशंस हमेशा प्रैक्टिकली देखी जाती हैं कि क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या हमें वैल्यूज दी हैं और क्या रिजल्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वील डू द प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन दिस First application, okay?